हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमलेश प्रजापत एनकाउंटर केस, 2 महीने बाद सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की तफ्तीश। घटना स्थल पर पहुंची अफसरों की टीम। विवाद खड़े होने पर गहलोत सरकार ने दी थी सीबीआई जांच को मंजूरी। बाड़मेर के बहुचर्चित कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले में सीबीआई ने आज बुधवार को मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब अनुसंधान में यह साफ होगा कि कमलेश प्रजापत का एनकाउंटर सोची समझी साजिश और उनकी हत्या के प्रयास के लिए किया गया स्थानीय पुलिस का षड्यंत्र था, या फिर कमलेश की मौत उसे पकड़ने के लिए पुलिस ऑपरेशन के दौरान अचानक उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से हुई। इसके लिए सीबीआई टीम बाड़मेर में मौके पर पहुंच गई है। गत 23 अप्रैल को कमलेश प्रजापत एनकाउंटर पर लगातार उठ रहे सवालों और भारी विवाद के बाद राजस्थान सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कमलेश एनकाउंटर की जांच सीबीआई को देने की मंजूरी दी थी। इसके बाद गृह विभाग ने सीबीआई जांच की सिफारिश चिट्ठी और पूरे केस के दस्तावेज केंद्र सरकार को भेज दिए थे। कमलेश प्रजापत के एनकाउंटर के मुद्दे में उठ रहे सवालों को सबसे पहले दैनिक न्यूज़पेपर ही सामने लाया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाने से लेकर एनकाउंटर के तरीके, एनकाउंटर के 4 घंटे तक स्वतंत्र व्यक्ति को कमलेश के घर पर नहीं बुलाने से लेकर घटना के हर पहलू का विवेचन किया था। भास्कर के इस मामले का खुलासा करने के बाद विपक्षी पार्टियों ने इस एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की थी। एक भी गोली उसे भागते वक्त पैरों पर नहीं लगी। तस्कर कमलेश प्रजापत के 22 अप्रैल की रात को हुए पुलिस एनकाउंटर पर विवाद लगातार गहराता जा रहा था। एनकाउंटर से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद एनकाउंटर सवालों के घेरे में आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कमलेश को 4 गोली लगी थी। चारों गोली लेफ्ट साइड से लगी थी, एक भी गोली पांव पर नहीं लगी है। चारों गोली कमर और कमर के ऊपर लगी है। पुलिस की बताई कहानी की पोल पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोल दी। इन सवालों का जवाब मिलना बाकी है। पुलिस की एफआईआर में कमलेश की गाड़ी का विंडशीट टूटा हुआ बताया गया, जबकि वायरल सीसीटीवी में पुलिसकर्मी डंडे से गाड़ी की विंडशीट तोड़ते हुए दिख रहे हैं। सवाल यह है कि पुलिस ने डंडे से विंडशीट क्यों तोड़ी? पुलिस को कमलेश पर 4 राउंड फायर करने की क्या जरूरत पड़ी, जबकि उसकी गाड़ी से कोई हथियार नहीं मिला था? 23 अप्रैल की रात एनकाउंटर के बाद एसपी ने यह बताई थी कहानी। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि शिवघर रोड सेंट पॉल स्कूल के पास कमलेश प्रजापत एक मकान में मौजूद है। इसके बाद कोतावली सदर ग्रामीण थानों की पुलिस, कमांडो और स्पेशल टीम ने मकान को चारों तरफ से घेर लिया। मकान के मुख्य द्वार पर पुलिस ने गेट खुलवाने की कोशिश की। तस्कर कमलेश ने खिड़की से कूदकर पीछे गैरेज में खड़ी एसयूवी से 400 किलोमीटर के भारी भरकम गेट को तोड़ा तथा गैरेज के बाहर खड़े पुलिस हेड कांस्टेबल मेहा राम और अन्य कांस्टेबल को गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया। पुलिस के कमांडो दिनेश ने आत्मरक्षा में 3 फायर किए। इससे तस्कर कमलेश की गोली लगने से मौत हो गई। इसके बाद एफएसएल टीम ने मौके का साक्ष्य एकत्रित कर लिए। रात भर चला सर्च ऑपरेशन, 56 लाख से ज्यादा नगद और 11 गाड़ियां मिली थी। एसपी के मुताबिक एनकाउंटर के बाद पुलिस द्वारा रात भर मकान में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सर्च ऑपरेशन में 59,69,050 रुपए, लग्जरी वाहनों सहित 11 वाहन, 5 अवैध पिस्तौल, 9 मैगजीन, 121 कारतूस, 2 किलो 360 ग्राम की अफीम का दूध, 1 किलो 715 ग्राम डोडा पोस्ट, 13 मोबाइल फोन व 4 डोगल, 1 ATM पुलिस ने जब्त किए हैं। कमलेश का आपराधिक रिकॉर्ड। पुलिस के अनुसार कमलेश प्रजापत आला दर्ज का बदमाश था, मादक पदार्थ व हथियार तस्करी में लिप्त था, थाना नगाना बाड़मेर का हिस्ट्री शीटर था। उसके खिलाफ बाड़मेर जिले में 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं एवं पुलिस थाना साढ़ेनाव जिला पाली में 1 प्रकरण दर्ज है। कुल 8 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। एसपी आनंद शर्मा ने बताया था कि मानव अधिकार आयोग की गाइडलाइन का पालन करते हुए मजिस्ट्रेट की निगरानी में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया था। कई बार पुलिस पर फायरिंग कर चुका था कमलेश। जानकारी के अनुसार 2 माह पूर्व पाली जिले के साढ़ेनाव थाना अधिकारी पर नाकाबंदी के दौरान हमला किया था। हमले में थाना अधिकारी को चोट आई थी, उसके बाद पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई थी। कुछ दिनों पहले भिलवाड़ में तस्करों द्वारा फायरिंग करने पर 2 पुलिस जवानों की जान चली गई थी। उसको ध्यान रखते हुए पुलिस ने सावधानी रखी और कमांडो और पुलिस ने हथियारों के साथ घेराबंदी की थी। तस्कर कमलेश पुलिस पर कई बार फायरिंग कर चुका था, यह पुलिसकर्मी थे टीम में शामिल। कमलेश प्रजापत के कथित एनकाउंटर में SC ST सेल उपाधीक्षक पुष्पेंद्र आड़ा के नेतृत्व में ग्रामीण थाना अधिकारी परबत सिंह मय जाप्ता, कोतावली थाना अधिकारी प्रेम प्रकाश मय जाप्ता, सदर थाना अधिकारी रामनिवास विश्रोही, हेड कांस्टेबल मेहरा राम मय जाप्ता,
जिला स्पेशल टीम प्रभारी महिपाल सिंह में जाप्ता पुलिस नियंत्रण कक्ष बाड़मेर रिजर्व अधीक्षक शामिल रहे। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकराराम मेघावल की रिपोर्ट।